Hey everyone, so let's create a mandala. Firstly, हम एक desired radius का length measure कर लेंगे. Then we'll simply create a circle और ऐसे ही हम concentric circles बनाते जाएंगे, जैसा भी मतलब जितना भी length हमें सही लगे उसके according. और ये मैंने एक circle बना लिया है. Probably मैंने ये लिया था 7 या 8 सेंटीमीटर रेडियस का, और उसके बाहर वाला जैसा दिख रहा है 9.5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर ले लीजिए उस हिसाब से. और फॉर अ क्लियर कैलकुलेशन मैं ऐसे दिखा देती हूँ कि कितना कितना मैंने लिया है. ये दोबारा मैंने ले लिया, ये हो गया 4 सेंटीमीटर का. और हम ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाते जाएंगे. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बस हमारे रेफरेंस के लिए होते हैं, जिससे हमें समझ में आता रहे कि मतलब हमारा जो डिज़ाइन है वो बाहर तो नहीं जा रहा है सर्कल के. बेसिकली अब हम अपने अकॉर्डिंग सर्कल्स बनाते जाएंगे. अब हम लेंगे डी और वील मेजर दी एंगल्स, मतलब हम सिंपली सारे एंगल्स मार्क कर लेंगे. 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, एंड वील डू दिस अप टू 360 डिग्री. और हम ऐसे करके सारे एंगल्स मार्क कर लेंगे. इस तरफ मेजर कर लिए, उस तरफ भी मेजर कर लिए. एक बार हम पूरा अच्छे से बनाने लग जाएंगे, फिर हमें ऐसे बार बार एंगल्स मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एक टाइम ऐसा आता है जब हम बिना एंगल्स मेजर करे या पूरे मार्क करे अज्यूम कर सकते हैं कि कितना कितना पोर्शन होगा उस चीज़ का, एंड वी कैन सिंपली मेक इट, मतलब वी कैन मेक इट बाय अज्यूमिंग. हम देख सकते हैं कि अच्छा इस तरफ इतना है तो इस तरफ कितना कितना होगा, लाइक दैट, है ना, मतलब समझ जाओ. फिर हम इन्हें ज्वाइन करेंगे रूलर की हेल्प से. वील सिंपली चेक. अब मैंने एक बड़ा रूलर इसलिए ले लिया ताकि जो पूरा सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रिक सर्कल है वो भी कवर हो जाए. ठीक है, हम सारे ऑपोजिट पॉइंट्स ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे, एंड वील कीप देम ज्वाइनिंग साइमल्टेनियसली. हर एक पॉइंट ज्वाइन करते जाएंगे. ये मतलब ये ध्यान रखें कि हर एक पॉइंट ज्वाइन होता जाए, क्योंकि अगर कोई मिस हो गया तो वो मिस कैलकुलेशन के कारण बिल आपको दोबारा करना पड़ेगा, है ना, पर्टिकुलरली. और ये पूरा बनने के बाद मतलब सेंटर को मिटा लें, मतलब जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उन्हें इरेज कर लें. और अगर नहीं करना है तो भी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. ठीक है, अगर करना हो तो कर सकते हैं, नहीं करना हो तो आपके ऊपर है. अब और अगर कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाने हो, मतलब आपको जैसा अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सही लग रहा है वैसा आप बनाते जाइए. मुझे थोड़े और बनाने की ज़रूरत लग रही थी तो इसलिए मैंने बना लिए. ठीक है, अब एक रफ स्केचेस के लिए हम विल यूज़ अ पेंसिल. अब मैं एक सिंपल शेप बना रही हूँ जिसमें मैंने दो जो एंगल्स का पोर्शन था वो यूज़ किया है, और ये सिंपल कर्व्स हैं, है ना. ऐसे करके पूरे में बना लेंगे. उसके बाद इन दोनों के बीच का जो पोर्शन है उसे हम यूज़ करेंगे. दोनों के सेंटर से पोर्शन लेते जाएंगे, इसके सेंटर से लिया और इसके सेंटर से लिया. तो बेसिकली हमने मतलब एक पूरा लिया और दो आधे आधे लिए और उनके बीच से निकाल के ज्वाइन कर दिया. ठीक है, मिडिल वाला जो है वो पूरा आ रहा है, और ये दोनों के कॉर्नर्स ले ली. तो तीन को मिला के हमने एक जो है लीफ बना ली, या जो भी आप उसे बोलें कली बना ली, है ना. ऐसे करके हम ज्वाइन करते जाएंगे. फिर बाहर नॉर्मल रूल्ड कर्व्स बना दिए, पतले पतले, जैसा भी सही लगता जाए वैसे वैसे. फिर सेंटर में फ्लावर दे दें या कोई भी सिंपल से डिज़ाइन दे दीजिए जैसा बेटर लगे. ठीक है, फिर ऐसे ज्वाइन करते जाएंगे. और मतलब मंडाला में बेसिकली अपन को जो एक पैटर्न बना रहे होते हैं अपन अपन को उसे ही रिक्रिएट करते रहना होता है. मतलब थोड़ा सिमेट्री मेंटेन करनी होती है, तो वो सिमेट्री मेंटेन करते चलेंगे और डिज़ाइन क्रिएट होता जाएगा ऑटोमेटिकली. बट वी नीड टू बी वेरी मच पेशेंट विद दिस. ठीक है, अब 1 2 3 4, चार जो पोर्शन से चार एंगल्स वाले पार्ट्स को हमने लिया,
एंड वील कंबाइन देम, ठीक है। जो 4 के बीच में जो सेकंड वाला रहेगा, उनका जो सेंटर रहेगा उसको कंसिडर करेंगे सेंटर पार्ट, और आजू बाजू वालों को लेके बना देंगे। अब इनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है उसमें भी एक बड़ी सी लीफ बना देंगे, और वो लीफ हमने कर ली ज्वाइन, है ना। तो ये 2 के बीच में बन जाएगी लीफ। अब कुछ नहीं करना है, अब आप पेन लीजिए अपनी चॉइस का। इट्स नॉट वेरी नेसेसरी कि आप फाइन लाइनर्स ही लें, है ना। आई डोंट यूज़ फाइन लाइनर्स बेसिकली। अपन को कुछ भी करना हो तो अपन मतलब जो भी चीज़ें अपने पास अवेलेबल हो उनसे कर सकते हैं। इट्स नॉट वेरी मच नेसेसरी कि फाइन लाइनर्स ही हो, ठीक है। देन मैंने स्केच पेन पे स्विच कर लिया, क्योंकि जो पेन था वो काफ़ी लाइट चल रहा था, ठीक है। आप अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग यूज़ करते जाइए, ठीक है ना। और जैसा एक तरफ बनाया है वैसा ट्राई कीजिए कि पूरे में सिमेट्रिकली बनता रहे। और ऐसे हमने अंदर वाला जो सर्कल था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, उसे छोटे छोटे लीफ पैटर्न्स बना के कवर कर दिया। अब हम आते हैं आउटर लेयर पे। जो आउटर लेयर थी हमारी, उसमें अब हम स्टार्ट करेंगे। विल प्रोसीड विद दी मतलब ऐसे करके बनाना है कि जो है 2 पॉइंट्स के बीच, मतलब जो मिडिल वाला है वो पूरा रहे, और जो कॉर्नर्स वाले हैं उनके कॉर्नर्स से ज्वाइन होता हुआ है। तो ऐसे करके हम ज्वाइन कर देंगे और पूरे में बनाते जाएंगे। 3 हम काउंट करते हुए चलेंगे, और मिडिल वाले से एक मतलब एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, और बाकी 2 से कॉर्नर्स अटैच करते जाएंगे। ऐसे ऐसे करके वील मेक इट फर्दर, एंड वील सिंपली ज्वाइन देम। इट्स वेरी इजी, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है जितना उसे सबने बना रखा है। इट्स वेरी इजी, जब तक आप पेशेंट हैं तब तक बनता जाएगा, पैटर्न क्रिएट होता जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। अब जो है सिंपल रिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, मतलब पतली पतली लाइंस बनाएंगे अपने हिसाब से। और बड़ी वाली लीव्स हम पहले बना लेते हैं, वो जो आउटलाइनिंग करी थी उसके हिसाब से बनाते जाएंगे। इसमें 4 एंगल्स हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। सपोज हमने ले लिया 10, 20, 30, 40, तो 4 एंगल्स ज्वाइन करके जो भी पार्ट बनेगा, ऑल दैट विल बी ज्वाइनिंग, ठीक है। अब आगे हम ये ऐसे पूरे लीफ क्रिएट कर देंगे। नाउ वी विल टेक दिस द सेंटर ऑफ दीज 2, ठीक है ना। अब हम इसे एक्सटेंड करेंगे और पूरे में ज्वाइन करते जाएंगे। एक बन जाता है तो फिर यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे सिमेट्री मेंटेन करके रखनी है, कैसे क्या ज्वाइन करना है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली बनता जाएगा। अब ऐसे ऐसे करके हम ज्वाइन करते जाएंगे सिंपली। तो जैसे जैसे वो ज्वाइन होगा वैसे वैसे वो कनेक्ट होता जाएगा। बस ज्वाइन करते जाइए अकॉर्डिंगली, है ना। ये 2 पॉइंट्स ज्वाइन कर दिए, इधर से इधर ज्वाइन हो गया, और एक कॉर्नर वाला बचा है वो भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसमें लेट्स कंसिडर दी डार्कनिंग पार्ट। अब हम इसमें कॉर्नर में थोड़ा सा एम्प्टी एम्प्टी लग रहा था, तो एक लेयर और बना देते हैं हम। हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल की आउटलाइनिंग है ही, तो हम अब देखो मैं थोड़ा कंसिडर करके कर रही हूँ। आई हैव नॉट मार्क्ड ऑल दीज नो। अब मैंने थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन लगाया और देखा कि कितना दूर तक जाना चाहिए, एंड मैंने मार्क कर दिया। कुछ नहीं है, नीचे वाली आर्क आप देखिए, वो जहाँ तक गई है उत्ते को सेंटर मानिए और वैसे वैसे बढ़ा दीजिए। अंदर वाली छोटी छोटी लीव्स हम बना लेंगे, सेंटर मान के चलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एंगल्स बनाए आप हर पॉइंट पे उन एंगल्स को कंसिडर करते रहें, आप जो भी पॉइंट्स हैं उनको कंसिडर करके चलिए। अब हम इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। वील यूज़ अ ब्राउन कलर फॉर डूइंग दिस लेयर। आई एम पर्टिकुलरली यूजिंग ब्रश पेन्स ओवर हियर, डॉम्स के हैं, है ना। आई एम नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रमोशन, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। ओके, सो वील कंप्लीट द बॉर्डर्स अकॉर्डिंगली। हम बॉर्डर्स बनाते जाएंगे, एंड एक सिंपल पैटर्न जनरेट होता जाएगा जैसे जैसे बॉर्डर बनता जाएगा। तो वील कवर दी बॉर्डर्स इंटायरली। ये ब्राउन कलर का बॉर्डर कंप्लीट हो गया। अब कुछ भी आप जैसे जैसे क्रिएट करते जाएंगे,
तो जैसे जैसे कुछ भी एम्प्टीनेस फील होगी ना, तो आप ऑटोमेटिकली इसे कंप्लीट करते जाएंगे। अब ये डार्क ब्लू कलर हो गया, डार्क ब्लू कलर मतलब आई हैव चोजन थोड़े थोड़े ज़्यादा ही डार्क कलर्स ओवर हियर, है ना। मतलब हमेशा हम न्यूड्स आजकल यूज़ कर रहे हैं, बट आई थॉट ऑफ गिविंग सम सॉर्ट ऑफ प्रायोरिटी टू डार्क कलर्स, सो प्लीज़ हैव अ लुक ऑन इट, है ना। जैसे जैसे ड्राइंग्स आपको सही लगे वैसे वैसे आप कनेक्ट करते जाएं। अकॉर्डिंगली हम उसे डार्क या लाइट कर सकते हैं। अब इन दोनों के साथ में कॉम्प्लीमेंट कर रहा है डार्क ग्रीन कलर, सो दैट्स वाई आई चोज दिस, है ना। अकॉर्डिंगली डार्क ग्रीन करते जाएंगे। यू कैन डेफिनेटली गो एज पर योर चॉइस ऑफ कलर्स, देर इज़ नथिंग लाइक दैट, है ना। इट्स इंटायरली योर चॉइस, वट एवर यू लाइक। आई वुड प्रिफर एनी थिंग, देर इज़ एब्सोल्यूटली नो इशू। अब अंदर अगर हम डार्क ब्लू करते हैं तो वो बहुत प्यारा जा रहा था, तो इसलिए आई थॉट ऑफ डूइंग दिस। एक एक करके हम पूरा फिल कर देंगे, क्योंकि बाहर जो है वो थोड़ा एम्प्टी पार्ट है, तो इसलिए अगर हम अंदर जो है वो फिलिंग करेंगे तो वो अच्छा लगेगा, इसलिए आई थॉट ऑफ डूइंग इट। आई होप यू लाइक इट। अब हम विल कंसिडर ग्रीन प्रोबेबली, राइट। या लेट्स गो विद ग्रीन। ग्रीन हम कर देते हैं वो जो लीफी स्ट्रक्चर है उसमें, क्योंकि हम ये कर रहे हैं क्योंकि हमने जो बाहर करा है वही हम अंदर करेंगे, तो दे विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर सम हाउ, ओके। दे विल गो विद ईच अदर। जैसे 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 मैंने कहा था, दिस पैटर्न इज़ कम्प्लीटली रैंडम, है ना। सो मैंने ये पैटर्न कहीं देखा नहीं है, या कहीं देख के मैं बना नहीं रही हूँ। वो मैं बस बना रही हूँ बिकॉज आई जैसे जैसे आता गया वो बनता जा रहा है। आई डिड नॉट हैड अ थाट कि मुझे ब्राउन कलर यूज़ करना है या फिर मुझे ग्रीन कलर यूज़ करना है। सो जो जो कॉम्प्लीमेंट करते गए वो मैं सिंपली बनाती गई। अब हमने एक तरफ कलर किया था, तो दूसरे साइड को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम सिंपल लाइंस बना रहे हैं, जो कि मुझे बेटर लगा। अब बाकी वट एवर यू लाइक, देर इज एब्सोल्यूटली नो इशू विद इट। आप जैसे जैसे पैटर्न्स क्रिएट करते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे आपको ठीक लगे वैसे वैसा आप पैटर्न बनाती जाइए। या सो वील क्रिएट दिस एंड वील कंप्लीट देम विद सेम टाइप ऑफ लाइन्स पर्टिकुलरली। या सो वी विल नाउ डू ब्राउन कलर, ओके। सो जैसा आप देख सकते हैं ये जो जॉइंट्स हैं ये थोड़े थोड़े अभी ऐसे लग रहे थे ना इनकम्प्लीट टाइप के, तो वील सिंपली जॉइन दीज पॉइंट्स टू द एंड्स टू द कॉर्नर्स। अब मुझे लग रहा है कि ये ब्राउन विल सूट नाइसली, इसलिए आई एम डूइंग दिस ब्राउन इन द वेरी सेंटर। हम इसे पूरा कम्प्लीटली ब्राउन से फिल कर देंगे। आई प्रिफर यूजिंग ब्रश पेंस फॉर द कलरिंग पार्ट और द फिलिंग पार्ट एज वेल, मतलब बढ़िया चलते हैं वो, तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो मैंने उसे फिल कर दिया। अब जो अंदर वाले जो मैंने कर्व्स बनाए थे उन्हें मैंने फिल कर दिया, क्योंकि वो थोड़े एम्प्टी एम्प्टी लग रहे थे, तो वो ब्लैक कलर से बनाए थे तो उन्हें ब्लैक से ही फिल कर दिया, है ना। हम ब्लू से भी फिल कर सकते हैं, उसे भी अच्छा लगेगा, नो नो इश्यूज़ विद दैट। अब हम पर्टिकुलरली हर एक को फिल करते जाएंगे धीरे धीरे। दिस प्रोसेस मे बी बोरिंग, या यू विल फाइंड इट बोरिंग, बट अगर आपको मज़ा आता है तो डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा करने में, ऐसा नहीं है, है ना। आई बिलीव कि अच्छा लगेगा। सो बनाते जाइए बिल्कुल पैटर्न्स, मतलब जैसे जैसे बनाएंगे आपको वैसे वैसे ऑटोमेटिकली डिज़ाइंस आना स्टार्ट होंगे, एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट देम एट अ टाइम। इसके लिए मैं आई एम यूजिंग अ CD मार्कर, है ना, क्योंकि सारे स्केच पेन्स ये सब चल चल के बेचारे ख़राब हो गए थे, तो
सो आई हैड टू यूज़ दिस। अब ये जो ब्लैक लाइन्स हमने बनाई थी, ये पेन से थोड़ी ज़्यादा लाइट आई थी, तो उनको थोड़ा डार्क करने के लिए हम मार्कर यूज़ कर लेते हैं, या मतलब थोड़ी लाइट भी चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है उनमें, बट फॉर अ बेटर लुक वी कैन मेक इट डार्क, देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विथ इट। हाँ दे मतलब मुझे थोड़े ज़्यादा बेटर लग रहे हैं ऐसे, मतलब जो भी चीज़ें थोड़ी लाइट हैं उनको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। अब सेंटर में जो था वो एकदम ब्राउन थोड़ा लाइट जा रहा था, इसलिए आई थॉट ऑफ यूजिंग थोड़ा सा ब्लैक विद इट, है ना, ब्लैक की एक बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी तो और भी बढ़िया लगेगा। ये मैंने रैंडमली एक ब्लैक बाउंड्री क्रिएट करी है ना, मतलब ऐसा बिल्कुल पर्टिकुलरली सर्कल नहीं बनाया है, एक रैंडमली फ्री हैंड बना दिया सर्कल और उसमें फिर फिलिंग कर दी ब्लैक कलर से। तो ये एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अब इसमें मतलब लाइक जो बाहर का ब्राउन पोर्शन है, ब्लू पोर्शन है और ग्रीन पोर्शन है, उसमें और भी इनर पार्ट्स में हम डिज़ाइनिंग करेंगे थोड़ा बहुत, बहुत बेसिक डिज़ाइन ही रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, ताकि ये चीज़ें थोड़ी कम कॉम्प्लिकेटेड हो, बट वी मतलब वील गेट टू द कॉम्प्लेक्स पार्ट धीरे धीरे, है ना। अब अपन चाहें तो ये जो भी लाइंस दिख रही हैं पूरी, इन्हें हम मिटा सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबली जब हम अंदर थोड़े डिज़ाइंस बनाएंगे ना तो इन्हें मिटाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक बार डिज़ाइन बन जाएगी फिर कोई भी कलर के ऊपर अपन जब इरेजर यूज़ करते हैं तो मतलब पेपर थोड़ा ऐसे ख़राब होता है ना, तो इसलिए मतलब व्हाट माय थॉट इज़ कि हम इसे पहले मिटा दें दोबारा बनाने के पहले। अब हम जो बाहर के बॉर्डर्स वगैरह हैं उन्हें थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ओके सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, स्टे ट्यून्ड।